दोस्तों आज मैं फिल्मोरा 12 में इस 3D इफेक्ट को बनाने वाला हूँ और आप भी बना सकते हो भाई। बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले आपको फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। यदि आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो अपने फोटो का। अगर आपके पास फिल्मोरा 12 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर आप मोबाइल वर्जन भी इसका डाउनलोड कर सकते हो, विंडो वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आपको फोटोशॉप ओपन करने के बाद जो फोटो को आपको एडिट करना है सिंपली उसको फोटोशॉप में ले आइए। फिर आपको सिंपली जाना है भाई इस टूल पे। इस टूल पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। अब आपको ऊपर जाना है, सिलेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर जाने के बाद आपको मॉडिफाई पे जाना है, फिर एक्सपेंड पे जाना है, फिर यहाँ पे थोड़ी वैल्यू बढ़ा देनी है, आपको कर देनी है 4। उसके बाद ओके प्रेस कीजिए। अभी भी सिलेक्शन मतलब जो कि एक्सपेंड किया था ना हमने, वो अभी अच्छी तरह से एक्सपेंड नहीं हो पाया, आपको और डालना पड़ेगा, 9 डाल दीजिएगा। अब देख सकते हो आपका सिलेक्शन एक्सपेंड हो गया है। सिंपली आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पर, उसके बाद आपको सिलेक्शन टूल पे जाके यहाँ पे डबल क्लिक करना है। आपको दिखने लगेगा कॉन्टेंट अवेयर फील्ड, सिंपली इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको दिखने लगेगा, आपको सिंपली ओके का बटन दबा देना है। ओके का बटन दबाने के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। सिंपली इस फोटो को आपको सेव कर लेना है, मतलब एक्सपोर्ट कर लेना है अपनी गैलरी में, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। आपको हाई क्वालिटी में करना है एक्सपोर्ट कर। मैंने इस फोटो को एक्सपोर्ट कर लिया है। अब सिंपली फिर से यही फोटो फोटोशॉप में लाइएगा और उसका सिलेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद आपको सिंपली जाना है, इसका मास्क लेना है। मास्क लेने के बाद अब इस फोटो को आपको PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, देखिएगा, एक्सपोर्ट पे जाइएगा, एक्सपोर्ट एज पे जाइएगा। उसके बाद ओपन फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको, PNG फॉर्मेट सिलेक्ट करके नीचे एक्सपोर्ट कर लेना है इस फोटो। ये दोनों फोटो मैंने एक्सपोर्ट कर लिए हैं। सिंपली आपको फोटोशॉप को काट देना है। अब यहाँ का काम खत्म हो गया है। सिंपली फिर अब जो काम होगा वो सब फिल्मोरा पे होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको फिल्मोरा में दोनों फोटो को लाना है। उसके बाद पहली लेयर पर आपको टाइमलाइन में ले जाना है। पहली लेयर पर आपको वो फोटो लाना है जिसमें लड़की बिल्कुल नहीं दिख रही हो, आपने उसको हटा दिया हो, ठीक है। और सेकंड लेयर पर उसके ऊपर आपको वो फोटो लाना है जिसमें आपने PNG फॉर्मेट में लड़की को मतलब एक्सपोर्ट किया था अपने गैलरी में। अब इसके बाद काम स्टार्ट होता है। आप इन दोनों फोटो की ड्यूरेशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं 1 सेकंड कर रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकंड करने के बाद सबसे पहली लेयर पर आप देखिए डबल क्लिक कीजिए। फिर आपको जाना है क्रॉप टूल पर, उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आपको पैन जूम पर क्लिक करना है और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे आप करिएगा। जैसे कि एंड दिख रहा है, एंड पे क्लिक कीजिए, वो नीले कलर का आ जाएगा। फिर आज आपको इस तरीके से उसे एडजस्ट करना है। देखिएगा मैं कर रहा हूँ जैसे, ओके, इस तरीके से आपको उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद अप्लाई का बटन दबा दीजिएगा। अब आपको सेकंड लेयर पर आना है। सेकंड लेयर पर डबल क्लिक कीजिए। फिर आपको इसमें की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम लगाने के लिए सिंपली की फ्रेम पे क्लिक कीजिए पहली बार और लास्ट में जाके लड़की को थोड़ा बड़ा कर दीजिए उसी पोजिशन में, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दीजिए। आप किसी भी फोटो में 3D इफेक्ट लगा सकते हो। अब ये रेडी हो गया है 3D इफेक्ट लग के। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से लगेगा आपको 3D इफेक्ट। दोबारा स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। आप बहुत सारे फोटो में मतलब ये रेशियो भी मोबाइल का रेशियो है, आप यदि लैपटॉप के रेशियो में फोटो को मतलब 3D इफेक्ट में कन्वर्ट करें तो और भी अच्छा लगेगा। मैंने मोबाइल के रेशियो में 3D इफेक्ट को कन्वर्ट किया है, ठीक है। आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है भाई 3D इफेक्ट इसमें। तो दोस्तों ऐसे ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, फोटोशॉप AI से रिलेटेड। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भाई भूलिएगा मत। दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं एक और ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ बहुत ही अच्छा, उसके लिए भाई सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई, आप देख सकते हो सबसे पहले। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए जो जो वीडियो एडिटिंग में अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, उनको ये ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छा लगेगा और सिंपल भी है यार। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई, जब तक के लिए राम राम जी।